नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। गोहाना में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के बदले वह फांसी पर भी लटकने से हिचकिचाएंगे नहीं। ताऊ देवीलाल की 105वीं जयंती पर उन्होंने गोहाना में आयोजित रैली में उमड़ी भीड़ को देख करके इनेलो सुप्रीमो गदगद नजर आए। रैली के दौरान मंच पर एक मुख्य होल्डिंग में सांसद दुष्यंत चौटाला व दूसरे होल्डिंग में जन नायक व नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला का फोटो गायब होना चर्चा का विषय बना रहा। रैली में सांसद दुष्यंत चौटाला व नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला के समर्थकों में भी भारी नारेबाजी हुई। पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस प्रकार की बातों को छोड़ करके संगठन को मजबूत बनाने का काम करें, अन्यथा चुनाव से पूर्व ही ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि रविवार को गोहाना में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करने पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि चुनाव में पार्टी को समर्थित कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में ही उतारा जाएगा। पार्टी द्वारा ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो जीतने में सक्षम हैं तथा पार्टी की नीतियों के में आस्था रखते हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि इस बार प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर बुजुर्गों की पेंशन 3000 मासिक कर दी जाएगी। चौधरी देवीलाल के नाम पर बने ट्रस्ट के माध्यम से गरीबों को मुफ्त इलाज करवाने तथा गरीब युवाओं को और उन गरीब तबके के युवाओं को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। रैली में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने गठबंधन को मजबूत बनाने की अपील की। रैली में नारेबाजी करने वालों को आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार का आचरण चौधरी देवीलाल के सिपाहियों में नहीं होना चाहिए, वे अपना आचरण ठीक कर ले, नहीं तो चुनाव से पहले ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि जल्द ही पार्टी का केंद्रीय कमेटी की बैठक बुलाकर नए सिरे से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो अपनी सहयोगी पार्टी बसपा के साथ मिलकर के एक बार फिर से SYL का पानी हरियाणा की प्यासी धरती के लिए लाने में संघर्ष करेंगे। केंद्र व राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 1 नवंबर तक यदि SYL का पानी लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इनेलो प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज कर देगी। वहीं रैली में मंच का संचालन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर KC बागंड ने किया। रैली के दौरान दिग्विजय सिंह चौटाला व दुष्यंत चौटाला ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जोर दिया। वहीं अशोक अरोड़ा ने रैली को मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला, अशोक अरोड़ा, प्रकाश भारती, डॉक्टर मेघराज रामपाल माजरा, डॉक्टर KC बागंड समेत पूरे प्रदेश के इनेलो के नेतागण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख रहे हैं गोहाना पल पल से अनीस कौशिक की ये खास रिपोर्ट। Jason!